ठीक है, सबने कॉपी निकाली अपनी मैथ्स की? डाला? यस मैम, डाल दिया मैम। ठीक है, चलिए लेसन स्टार्ट करिए। नंबर 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 दिख रहा है? देखो नंबर नेम, मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ क्या? नंबर नेम कहाँ से? 21 से। तो 21 की स्पेलिंग क्या होगी? टी डब्ल्यू एन टी 21। अब आगे 22, टी डब्ल्यू ओ टू, टी डब्ल्यू एन टी वाई 23। फिर 24, टी डब्ल्यू एन टी वाई 20, एफ ओ यू आर 4, 25, यहाँ नंबर लगे, यहाँ यहाँ नंबर, यहाँ नंबर लिखा है दिख रहा है आप लोग को? पूछो मैम से कौन सी बुक निकालनी है, पूछो मैम कौन सी बुक निकालनी है। बेटा मैथ की कॉपी निकालो और लिखना स्टार्ट करो। बोर्ड दिख रहा है? नंबर नेम्स है 21, 22, 23, 24, 25, अब 26, टी डब्ल्यू एन टी वाई 20, N-I-N-E-9, 29, up 30, T-H-I-R-T-Y, 30। चलिए 30 तक लिखिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। लिखो नंबर नेम 21 से 30 तक लिखिए। चलिए टी डब्ल्यू
ई आपको दिख रहा है ना मैंने जो लिखा है ई एन टी वाई जल्दी लिखो मैम थोड़ी देर टी वाई फोन के देखो गलत सलत लगा दिया है चालू करो 23 यार टी लिखे हो क्या मैडम प्लीज को लिखो ना लास्ट तो चले गए बेटा आप लोग अपनी कॉपी पे बिल्कुल साफ साफ काम करिएगा मेरे बोर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने आधा आधा लिख पार्टीशन करके लिखा है साफ साफ लिखिएगा एक पेज में कितना है उतना लिखिएगा एक सेकेंड बेटा देखती हूँ रुक जाइए एक मिनट मैं जब बोलूंगी तब दिखाना एक मिनट रुक जाओ हाँ शगुन ठीक है गुड ठीक है बेटा हो गया क्या आपका 30 तक यस मैम और बच्चों को लिखने दीजिए ना बेटा तभी तो मैं आगे पढ़ाऊंगी आप लिख रहे हो बोलो यस मैम बोल दो यस मैम ठीक है लिखिए TWTHRWE3 लो स्पेलिंग लिखो और एक का स्पेलिंग ई बिटारोई इतना अच्छा नॉलेज एच आर आई डबल ओ नंबर गलत बिंदी खाना लिख दी क्या फिर से आई एफ सेवन का लिखिए सेवन का मिटा लो सब
ये लिखो 21 मैम किस में करवाना है मैम इंग्लिश में मैम इंग्लिश में करवाना है बोलो संस्कार बेटा नंबर नेम्स मैथ्स में तो लिखा जाता है ना इंग्लिश में कहाँ नंबर नेम कब इंग्लिश में आप लोग को नंबर नेम लिखवाया गया मैथ्स में ही तो लिखते हो ना सॉरी मैम हो गया अरे वाला कभी नहीं करवाया मैम मेरा हो गया मैंने क्या नेटवर्क अभी चला है मैम रुक जाइए ठीक है जिसका हो गया है चुप रहो बेटा बाकी बच्चे अभी लिख रहे हैं ना मैं नहीं मिटा रूंगी अभी मेरे हो मेरी हो गया ठीक है हो गया तो बैठिए और बच्चे अभी लिख रहे हैं बेटा हो गया तो बैठिए मैम संस्कार भान काम कर दो जल्दी जल्दी मैम कर नहीं पा रहे कर लेता हूँ दे दीजिए उसी को लिखिएगा अभी भी मैं नहीं मिटा रही हूँ लिखो जल्दी जल्दी इधर आओ जल्दी लिखो 32 की स्पेलिंग लिखो अच्छा एक मिनट आदिव देख रही हूँ बेटा हाँ दिखाइए वेरी गुड वेरी गुड आदिव आप बहुत सुंदर लगते हो बेटा आपका काम बहुत ग्रेट रहता है वेरी गुड आपने ऊपर डेट नहीं डाला डेट कहाँ लिखा आपने बेटा देखिए मैंने आप लिखा है ना कॉपी बुक भी गंदा मत करिए अगर नीचे नहीं आ रहा है तो आप दूसरे पेज पे लिख लीजिए एकदम नीट काम किया है उसने अच्छा लिखिए धीरे धीरे ही लिखिए लेकिन साफ साफ लिखिए कोई जल्दी नहीं है मैं मिटा नहीं रही हूँ कोई भी जल्दी नहीं है अपने से ही लिखिए आराम से अच्छा अच्छा लिखिए खुद भी लिखेंगे तो वेरी गुड सामर्थ ठीक है बेटा गुड आप स्पेलिंग भी लर्न करिएगा ठीक है आई बी स्पेलिंग भी आपको लर्न होनी चाहिए आपको पता है आप लोगों को कम से कम 50 तक स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए 50 तक लर्न होनी चाहिए ठीक है मैं 50 तक पूरा लिखाऊंगी अभी तो फिलहाल इतना ही लिख लो क्योंकि और बच्चे लिख रहे हैं मैं बाकी आगे लिखाऊंगी 31 से 50 फिर मैं लिखाऊंगी बाद में पूरा याद है मैम
मैम मुझे 100 तक आती है। वेरी गुड शगुन, अच्छी बात है आती है तो। और मैं पूछ मैम आता तो मैं अभी तो आप लोग बोलते हो कि सब कुछ आता, एग्जाम टाइम में आप लोग गलती करते हो फिर भूल जाते हो क्यों? क्या हुआ क्या हुआ वैस? हाँ वैस बोलो बेटा क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ क्या बोल रहे हो? हमें 1000 तक आती है। 1000 तक आती है? Yes, अच्छा? अरे वाह चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये सारी चीजें लर्न होनी चाहिए एग्जाम टाइम पे, फिर भूलते हो आप लोग, गलती करते हो, गलत लिखते हो, अभी तो कहते हो कि याद है सब कुछ, फिर एग्जाम टाइम पता नहीं तुम लोगों को क्या हो जाता है, भूल जाते हो सब कुछ। लर्न किया, लर्न करो और उसको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है? भूलना नहीं चाहिए उसको, इसीलिए तो हम लर्न कराते हैं ना बेटा आप लोग को भी, आप लोग को हमेशा लर्न रहे, एग्जाम टाइम भूलना नहीं चाहिए फिर। तो बताओ लिख रहे हो कि नहीं, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा ये लिख रहे हो? क्यों बैठे हो? क्या बात है बेटा, चलो लिखो। लिख लिया, पूरा हो गया 21 से 30 तक? बेटा मैं आगे बढ़ जाती, बट अब बच्चे अभी लिख रहे हैं। संस्कार आपका हुआ बेटा? मैं 29 तक पहुंचे। हाँ हाँ लिखो, 29 तक पहुंचे हो तो इधर कर, अब कर दे। चलो अब लिखो, 30 हो गया ना, अब 31 से स्टार्ट करो, लिखो 31। स्पेलिंग क्या होगी? अरे पहले लिखोगे फिर ऊपर डालेंगे? नहीं यार लिखो 31, ये लिखा है ना 31। ठीक है चलिए, इधर का हुआ बेटा आप लोग का, इस साइड वाला हुआ 25, 26, 27 31 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
अरे वाह सामन 40 तक लिख लिया आपने तो वेरी गुड बता दो मैम बता दो मैम मुझे 99 तक आता है 100 नहीं आता 100 नहीं आता 100 की स्पेलिंग नहीं आती सामन कर रहा हूँ मैम आती है 99 की स्पेलिंग क्या होती है अच्छा बताइए अगर आपको 99 तक आती है तो हंड्रेड की स्पेलिंग क्या होती पता है सामर एच यू एन आर डी डी हंड्रेड एच यू एन डी आर ई डी बेटा गुड वेरी गुड आप लोग को लाभ है इतनी सारी स्पेलिंग तो वेरी गुड ठीक है हो गया तो बैठिए बेटा अभी बच्चे लिख रहे हैं ना तो आप बैठे रहिए I
Y-S-S-E-V-E-N. Sharon. तो ठीक है बेटा, बैठे रहिए। आप वैसे भी आपकी 10 मिनट्स में क्लास ओवर होने वाली है, ठीक है? ओके। मैम मेरा हो गया। ठीक है बेटा। बोलूँ मैं मुझे मुझे कितनी देखा है? किसने देखी है? बोला। मैम मेरा देखी है। देख। मैं किसने देखी है? हाँ बेटा, अरे वेरी गुड आदित्य, बहुत अच्छा लिखा आपने, आप बहुत सुंदर लिखते हो बेटा। थैंक यू मैम। डालो आज ना त्रिशा, देख लिया? गुड त्रिशा, तो बच्चे बहुत अच्छे हो गए। अरे वाह भाई, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा लिख लेते हैं। गुड, ठीक है बेटा। लर्न भी हो, आप लोग को ये स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए, ठीक है? यस मैम। अगर किसी को 100 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेकिन 50 तक की स्पेलिंग आप लोग को सबको लर्न होनी चाहिए, ठीक है? 50 तक अभी क्या हुआ संस्कार? नहीं मन कर रहा क्या लिखने का? हो गया मैम। क्या लग रहा है वेरी गुड संस्कार, अरे बाप नहीं लिखे यार, ठीक है बेटा, अच्छा है। ऐसे नीट वर्क किया करिए आप लोग। हाँ शगुन, एक सेकेंड बेटा, देख रही हूँ, एक मिनट। हाँ गुड, ठीक है बेटा, ठीक है, सबका हो गया, वेरी गुड, सब बहुत अच्छे हैं, सबने काम कर लिया, गुड बेटा। आपने लिखा तो
डबल वन अरे वो बंद कर दिए ठीक है बेटा सबने लिख लिया है ना ठीक है ओके सबको अब ये स्पेलिंग लर्न भी होनी चाहिए ठीक है मैम जा रही है Yes, ma'am. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Yes, bolo, ma'am. Bye, ma'am. Bye, bye. Bye, bye.